तो है नॉर्मल गार्निश जिस तरह से सभी लोग किचन में करते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर को शांति नहीं मिलती इस तरह के गार्निश से। हमें कुछ स्पेशल करना होता है, तो ये मैंने एक और एफर्ट किया है अपने चिया सीड पुडिंग को सजाने का, मज़ा अब भी नहीं आया। टैंग, ये हुई ना मस्त वाली गार्निश, अब आया मज़ा, अब लग रही है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो दोस्तों, फर्स्ट तो ये कि इसमें कुकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो इस रेसिपी को बहुत ही स्पेशल बनाती है कि ये एक डेयरी फ्री और वीगन रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए हमें आमंड मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बादाम का दूध जो हम घर में ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 12 बादाम ले लिए हैं, मेरे बादाम का साइज़ थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 12 लिए हैं। अगर आपके नॉर्मल साइज़ के हैं तो 10 ले लीजिए। अब इसमें इतना पानी डालना है कि बादाम उनमें डिप हो जाएं। ढक दीजिए और कम से कम 4 घंटे ऐसे ही रहने दीजिए। 4 घंटे हो चुके हैं, हमारे बादाम अच्छे से सोख हो चुके हैं, तो अब हम इनका छिलका अलग कर लेंगे और फिर इनसे बादाम का दूध बनाएंगे। तो वो हम सीखेंगे कैसे बनाना है, अभी हम इनका छिलका उतारते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी के लिए आप चाहें तो रेडीमेड आमंड मिल्क या सोय मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, पर फिर भी मैं यहाँ एक बार मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि रेडीमेड आमंड मिल्क या सोय मिल्क में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। बेस्ट है कि आप घर में बनाएं, थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगता है, बट वी कैन कंट्रोल द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्लस इट इज़ 100% हाइजेनिक। तो भीगे हुए बादाम खाने के बहुत फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे ब्रेन को शार्प करता है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हमारे डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है, PCOS की प्रॉब्लम को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन ए भरपूर होता है, इससे खाने से हमारी आइज़ भी शार्प होती हैं। बादाम में विटामिन ई बहुत होता है जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बादाम में मौजूद विटामिन ई आपकी स्किन को मुलायम और कोमल बना सकता है। तो ये रेसिपी में हम चिया सीड्स यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, चिया सीड्स के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चिया सीड्स हमेशा हमेशा भिगो कर यूज़ करनी चाहिए। चिया सीड्स देखने में छोटे छोटे काले सफ़ेद दाने होते हैं, बीज जैसे, और जब हम इनको पानी में भिगो देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल साइज से 27 टाइम्स तक ज़्यादा स्वेल अप हो जाते हैं। वेट लॉस में चिया सीड्स बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और बातों ही बातों में देखिए, मैंने अपने सारे बादाम छील लिए। अब ये जो पानी है बादाम भिगोए वाला, ये हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो हमने बादाम तैयार किए हैं, भिगो कर छील लिए हैं, इनसे हम अपना आमंड मिल्क बनाएंगे। तो मैंने छोटा मिक्सर जार लिया है चटनी वाला, और इसमें ये बादाम डाल लिए हैं। साथ में लेंगे मेजरिंग कप से 1 कप पानी, ये देखिए पूरा 1 कप है, और इसमें से अराउंड 1/4 मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी, सारा नहीं डालना है। और इसको अब हम चर्न कर लेंगे जिससे कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब चिया सीड्स पुडिंग बनाने के लिए मैंने ये सुंदर सा कांच का जार ले लिया है, इसके अंदर ही हम पुडिंग बनाएंगे। और ये बादाम मैंने चर्न कर लिए हैं एकदम फाइन पेस्ट, आपको भी इसी तरह से बना लेना है। ध्यान दीजिए कि बादाम के टुकड़े ना रहें, और ये सारा हम अपने जार में पोर कर लेंगे। और जो बाकी मेजरिंग कप में बचा हुआ पानी था उसमें से थोड़ा सा बचाकर मैंने डाल दिया है जार में। थोड़ा सा पानी मैंने यूज़ किया है जो मिक्सर जार में मेरा आलमंड पेस्ट लगा रह गया है, और उसकी लिड में उसको भी अच्छे से वॉश करके मैं अपने मेसन जार में डाल लूँगी। तो ये सारा हमने इकट्ठा कर लिया है अच्छे से, सब सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स हम अपने जार में डाल लेंगे। और ये देखिए हमारे मैजिकल चिया सीड्स, ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतनी पावर है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये हमें डालने हैं 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पहले भर के डाला था, हाफ फिर से डाल दे रहे हैं। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे। आप चाहे चम्मच यूज़ करें चाहे फॉर्क यूज़ करें, इनको स्टर करना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह से मिक्स करना। ध्यान रखिएगा कि क्लम्प्स ना बने, ये इकट्ठा होकर क्लम्प्स बन जाते हैं फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हमें इनको पहले एक बार स्टर करना है बहुत अच्छे से, जब ये सारे डिप हो जाएं फिर हम इनको 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक कर रख देंगे, उसके बाद दोबारा से इसको स्टर करेंगे।
जरूरत पड़े तो आप तीसरी बार भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं हमेशा दो बार ही करती हूँ। और इस तरह से सारे सीड्स आपको डिप कर देने हैं आमंड मिल्क के अंदर। और अब हम इसको रेस्ट होने देंगे। 5 मिनट्स बाद हम दोबारा इसको स्टर करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और हम इसको फिर से स्टर करेंगे अच्छे से, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। इस तरह से हमें मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी इसमें क्लम्प्स ना रहें। और यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बस इसमें ध्यान रखने वाला, बाकी सब बहुत इजी पीजी है। ये भी इजी है, बस ध्यान रखना है कि हमें इसको दोबारा से मिक्स करना है। और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर रात भर के लिए, और बाकी के स्टेप्स नेक्स्ट मॉर्निंग होंगे। तो देखिए, रात में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस आमंड मिल्क बनाना है और चिया सीड्स डाल के उनको दो बार स्टर करना है और रेफ्रिजरेटर में रख देना है। मॉर्निंग वाले स्टेप्स भी बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों, हमारा मेसन जार फ्रिज में बैठा हुआ है, ठंडक ले रहा है। और यहाँ हम तैयारी कर लेते हैं कि कैसे हमें उसको खाना है। तो ये सबसे पहले मैंने एक आम ले लिया है, ये दशहरी आम है, और इसका हम छिलका उतार लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। इस पुडिंग की गार्निश बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। क्या आप जानते हैं कि मैंगो भी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है? इट इज़ फुल ऑफ फाइबर एंड लो इन कैलोरीज, सो इट हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। जो फाइबर इसमें होता है वो बहुत देर तक आपको हेल्प करता है ये फील कराने में कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको दोबारा जल्दी भूख नहीं लगती, आपका दोबारा कुछ खाने का जल्दी से मन नहीं करता। काफ़ी टाइम तक आपको ऐसा फील रहेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। तो इससे ओवर ईटिंग का चांस भी कम होता है और आप कैलकुलेटेड क्वांटिटीज़ में खा पाते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए तो मैंगो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ में बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए, मैंने अपना मैंगो पूरा पील कर लिया है और अब इसके छोटे छोटे क्यूब्स हम चॉप कर लेंगे। साथ में हम यूज़ करने वाले हैं बनाना, तो ये मैंने आधा बनाना ले लिया है और इसके सुंदर सुंदर स्लाइसेस हम निकाल लेंगे छिलका हटाने के बाद। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो सिंपल भी काट सकते हैं, लेकिन जब खाना सुंदर से प्रेजेंट किया जाता है तो पहले से ही फील आने लगती है कि खाना बहुत ही टेस्टी होगा। ये हमने अपनी चिया सीड्स की पुडिंग निकाल ली है, ये देखिए बेस बनकर तैयार है और ये बिल्कुल कितना थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ गया है। ओवरनाइट सिट होने के बाद चिया सीड्स पूरे स्वेल हो गए हैं मोती के जैसे। और ये बताइए क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हरा पाउडर किस चीज़ का होगा? ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है, यस, ये हरी इलायची। तो इसको मैंने पाउडर करके रख लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, चौथाई चम्मच। अगर आप इसको मीठा पसंद करते हैं तो इसी टाइम पर इसमें आप हनी या मैपल सिरप या स्टीविया डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आप मीठा बिल्कुल स्किप कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही बनाइए, फ्रूट्स की मिठास से भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मीठी हो जाती है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम डाल रहे हैं अपने बनाना स्लाइसेस और ये मैंगो क्यूब्स जो हमने कट किए थे। साथ में हम डालने वाले हैं कुछ अनार के दाने। तो इस तरह से गार्निश करके आप अपना ब्रेकफास्ट बहुत ही चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो ये तो है नॉर्मल गार्निश जिस तरह से सभी लोग किचन में करते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर को शांति नहीं मिलती इस तरह के गार्निश से, हमें कुछ स्पेशल करना होता है। तो ये मैंने एक और एफर्ट किया अपने चिया सीड पुडिंग को सजाने का, मज़ा अब भी नहीं आया। ये हुई ना मस्त वाली गार्निश, अब आया मज़ा, अब लग रही है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो दोस्तों, गार्निश आप कैसे भी करें, चिया सीड पुडिंग अपने ब्रेकफास्ट रूटीन में शामिल ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।